नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करूंगा आप सभी के साथ टाटा मोटर्स के स्टॉक के बारे में। यहां पे स्टॉक से रिलेटेड कुछ बड़ी खबरें आती हुई दिखी हैं। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ ये न्यूज अराउंड अभी से 3 से 4 महीने पहले भी शेयर करी थी, जब टाटा मोटर्स ने कहा था कि हम अपने स्टॉक को डीलिस्ट करने वाले हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से। यानी कि जो ADR अभी आप टाटा मोटर्स का देख पाते हो वो नहीं देख पाओगे और ये स्टॉक डीलिस्ट हो जाएगा। तब भी काफी सारे लोगों के मन में कहीं ना कहीं ख्याल आया था कि क्या इस डीलिस्टिंग से कुछ फर्क पड़ेगा, क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसी के बारे में बात करने वाला हूं और कंपनी की तरफ से जस्ट अभी अभी कुछ बड़ी अपडेट आती हुई दिखी जो आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले बता दूं तो टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करी है, कंपनी कंफर्म्स इट्स डीलिस्टिंग फ्रॉम द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड द टर्मिनेशन ऑफ इट्स ADS प्रोग्राम। ठीक है, ADS प्रोग्राम एक्सपेक्ट टू सेटिस्फाई कंडीशंस फॉर डी रजिस्ट्रेशन एंड फाइल फॉर्म 15F विद सिक्योरिटी ऑन अराउंड जनवरी 24, 2024 सिक्योरिटी फिलिंग। तो लगभग 24 जनवरी 2024 ऐसे कुछ डेट सामने आई है। नेक्स्ट कंपनी कहती हुई दिखी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज डीलिस्टिंग एक्शन हैज नो इंपैक्ट ऑन करंट लिस्टिंग स्टेटस और ट्रेडिंग ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर्स ऑन BSE एंड NSE इंडिया लिमिटेड, नॉट मेकिंग एनी ऑफर टू बाय द ADSS और द अंडरलाइंग ऑर्डिनरी शेयर्स इन एनी मैनर। यहाँ पे जो टाटा मोटर्स कंपनी है वो क्लियरली कहते हुए दिखे जो करंटली स्टॉक लिस्टेड है NSE BSE पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, एंड ये कोई बाइंग के लिए या फिर सेलिंग के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अपडेट है, हम वहां से अपना स्टॉक डीलिस्ट कर रहे हैं बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस कंपनी पे, कंपनी ने कहा इससे ज्यादा कुछ नहीं है और इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा। अब टाटा मोटर्स अगर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर मैं वैसे तो आपके साथ कंटिन्यू वीडियोस बनाता रहता हूं जब जब आप लोगों की क्वेरी आती है, और एक ही चीज कहता हूं कि बेस्ट ईवी प्ले चल रहा है और अभी जो लॉन्चेस आ रहे हैं ईवी में टाटा मोटर्स लीडरशिप लेता हुआ दिख रहा है इस सेगमेंट में। और टाटा मोटर्स की बात करें स्टॉक नीचे में अराउंड 400 के समथिंग बहुत समय से कंसोलिडेशन भी दिखा रहा है आपको। इनफैक्ट 2022 का पूरा साल कंसोलिडेशन प्लस लोअर लोज में ही निकला है टाटा मोटर्स का। स्टॉक ने अराउंड 500 रुपीज के हाई लगाए थे November 16, 2021 में, एंड उसके बाद फिर लो लगे, फिर एक बाउंस बैक रिकवरी आई, फिर लोज लगे और प्रीवियस लो को हर बार ब्रेक करा और प्रीवियस हाई से हर बार नीचे ही रहता है। स्टॉक अभी करंटली अराउंड 408 पे आ चुका है, एंड यहां से स्टॉक में क्या करें क्या ना करें। देखिए स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है बेचना तो नहीं चाहिए क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट शेयर गेन कर रही है। अगर आप ऑन रोड टाटा मोटर्स की गाड़ी देखें तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां अब बिकने लगी हैं और कहीं ना कहीं मार्केट शेयर भी गेन कर रही हैं, लेकिन अब दोबारा से कॉम्पिटिशन हार्ड होने वाला है। अभी आपने ऑटो एक्सपो में देखा टाटा की तो गाड़ियां लॉन्च हो ही रही हैं, प्लस मारुति एंड ह्यूंडई भी दबा के गाड़ी लॉन्च कर रहा है। M&M की तो डिमांड इतनी हैवी हो रही है, समय की जो बुकिंग है वो काफी ज्यादा हैवी है, अभी आप बुक करते हो तो एक एक साल बाद आपको गाड़ियां मिलनी है। तो ये सब चीजें देखते हुए अब थोड़ा दोबारा से कंपटीशन बढ़ेगा। अभी टाटा मोटर अकेला प्लेयर था ईवी में, लेकिन अब सब उतर गए हैं, चाहे वो महिंद्रा की हो, चाहे वो ह्यूंडई की हो या वो मारुति हो। अभी केवल कॉन्सेप्ट दिया है लेकिन लेके भी जल्दी आ जाएंगे। टाटा मोटर्स ऑलरेडी नेक्सॉन आपको पता है सुपर हिट गाड़ी है इनकी। तो ये सब चीजें देखते हुए टाटा मोटर्स पे व्यू थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव ही है अभी। इन लेवल्स पे बेचने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता, बट इस स्टॉक में ऊपर में 480 तक की मैं कहीं ना कहीं गुंजाइश देखता हूं। बट जो चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि भाई कंटिन्यू लोअर लोज लग रहे हैं, एंड स्टॉक में अगर किसी भी रीजन से 440 का लेवल ब्रेक होता है तो वन साइडेड आपके लिए 490 रुपीज 480 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, अगर आप फ्रेश बाइंग लेना चाहते हैं तो 440 के ऊपर ही खरीदें। 425 to 420 का स्टॉप लॉस होगा आपका, आपके लिए टारगेट बनेगा 480 to 490 का। अगर अभी किसी के पास पोजीशन है तो वो बने रहे 380 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के क्लोजिंग बेसिस पे, जो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल बॉटम फॉर्म करके भागा भी है। एंड स्टॉक अगर इनकेस 418 के ऊपर भी निकलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, जब तक 418 के ऊपर नहीं निकलता तो थोड़ा अभी साइडवेज टू नेगेटिव ही लग रहा है चार्ट पे स्टॉक। स्टॉक की बात करें यानी कि कंपनी की बात करें तो लगभग 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी नंबर्स हर बार खराब पेश कर देती है, इस बार देखते हैं कैसे आई है। बाकी जो अपडेट थी वो तो काफी शानदार दी थी टाटा मोटर्स ने, और अपडेट के बाद स्टॉक भी 4% भागा था।
तो लेट्स सी नंबर कैसे आते हैं। तो यदि मेरी वीडियो टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।